राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ खामखेड़ा विदिशा किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मंगलवार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांग रही गेहूं का भुगतान, जो कि 4 अप्रैल से खरीदी शुरू हुई थी और आज तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। जिन किसानों ने बैंक भर दी थी और फिर भी उनका गेहूं का पैसा काटा गया है और उसे ब्याज सहित वापस किया जाए। सोसाइटी ने जो किसानों को कर्ज दिया था उसकी तारीख बढ़ाई जाए, जो कि 15 अप्रैल की थी, वह समाप्त हो चुकी है, उसे बढ़ा 30 तारीख जून की जाए और सन 2019 सोयाबीन फसल का मुआवजा आज दिनांक तक बाकी है वह भी दिया जाए। 2020 सोयाबीन फसल की मांग की एक किस्त बाकी है और आपको बता दें गेहूं का बोनस भी बाकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो लाइट की कटौती की जा रही है उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जिलाध्यक्ष राजा शर्मा ने बताया कि सरकार से हमारी लंबे समय से मांग चल रही है लेकिन हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम पीपलखेड़ा क्षेत्र सहित ग्रामों में संपर्क कर किसानों से चर्चा की एंड सभी किसान मंगलवार को विदिशा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देंगे। लखन सिंह बघेल, चंद्रमोहन बघेल, चेतन शर्मा, भगवान सिंह किरार, राजू गुप्ता, चरण सिंह कुशवाह, संतोष डांगी इत्यादि लोग साथ रहे। नमस्कार, जो कल आप बाइक रैली निकाल रहे हैं, बताएं जानकारी दें, क्या संबंध में निकल रही है, क्या मांग है आपकी? मैं राजा शर्मा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जिला अध्यक्ष। हमारी सरकार कल जो हमारी बाइक रैली है खामखेड़ा से विदिशा तक, इसमें हमारी किसान जो परेशान है, किसान की जो समस्या है, एक तो 4 अप्रैल से जो तुलाई हुई थी गेहूं की, वो किसानों के खाते में अब तक पैसा नहीं आया और जिससे किसान डिफ़ॉल्टर हो गया बार, और जो सरकार ने 0% सोसाइटी के ब्याज का आश्वासन दिया था, वो भी 14% ब्याज किसान से लिया जा रहा है, इससे किसान बहुत त्राही त्याही मच रही है। तो हमारे संगठन से हम सभी किसान भाई कल खामखेड़े से विदिशा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और सभी किसान भाइयों से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी किसान पहुँचें। और अभी तक हम सभी जो दूसरी हमारी जो राहत राशि की 3 किस्त बकाए हैं 19 और 20 की, और ये बोनस गेहूं का बोनस जो प्राप्त नहीं हुआ, सरकार से यही मांग है जल्द किसानों के खाते में डलवाया जाए और 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को हम देंगे, इससे उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश में रहेगा। धन्यवाद। अधिकारी कम से कम 50 से 75 गांव का भ्रमण कर चुके हैं और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से कि हर किसान तक ये सूचना पहुँचे और किसान सभी किसान भाई कल एकत्रित हों। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।